वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश आगरा के कस्बा शमशाबाद की है, जहां सड़क हादसे में करीब 24 लोग घायल हो गए। घटना दोपहर करीब 1:30 की है, जब शमशाबाद इरादत नगर बाईपास पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली एक डंपर को बचाने के चलते हादसे का शिकार हो गया और जाकर खाई में पलट गया, जिसमें सवार महिलाएं और पुरुष करीब कुल 24 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची थाना शमशाबाद पुलिस ने घायलों को शमशाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराने को भेजा, लेकिन घायलों के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र में मौके पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। उसके तुरंत बाद ही तमाम घायलों को आगरा रेफर किया गया, जहां मरीजों के परिजनों ने पीड़ितों का इलाज कराने एक निजी अस्पताल का रुख किया। शमशाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नजारा हमारे कैमरे में भी कैद हुआ, जहां पर आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर टेकेंद्र कुमार और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजीत कुमार के कक्ष का ताला लटका हुआ है। ये नज़ारा देखकर आप खुद ही इसका अनुमान लगा सकते हैं कि डॉक्टर की इस तरह की घोर लापरवाही से किस तरह से मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब साफ है कि यहाँ किसी को किसी भी मरीज की जान से कोई सरोकार रह ही नहीं गया। इनके लिए तो बस एक ही बात है कि अपना काम होना चाहिए और मरीजों की दुख दर्द की हमें कोई परवाह नहीं। शमशाबाद स्वास्थ्य केंद्र की इस तरह की घोर लापरवाही को हम अपने चैनल के माध्यम से पहले भी कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन स्थिति अभी तक जस की तस बनी हुई है। लेकिन ऐसे मामलों में शासन और प्रशासन बिल्कुल भी सख्त दिखाई नहीं दे रहा। पहले भी हमने इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर के नदारद रहने की खबरें चलाई हैं, लेकिन यहाँ तैनात डॉक्टर और अन्य कर्मचारी के मन में शासन और प्रशासन का लेस मात्र भी डर नहीं है। तो कहीं न कहीं ये हमारे देश की विडम्बना है कि देश प्रदेश की सरकारें आती तो बड़े ही जोर शोर से हैं, बातें भी बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आप देखें तो सरकारों के द्वारा किए गए वादे सारे ध्वस्त नजर आते हैं। जैसा कि आज आप इस खबर के माध्यम से देख रहे हैं, प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदेश का कानून का राज होगा। तो बताइए मुख्यमंत्री जी, यही है कानून का राज? आपने कहा था कि प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं वो या तो सुधर जाएं या प्रदेश छोड़ दें। तो आप ही बताइए योगी जी, जिन सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने डॉक्टर को तैनात किया गया है, पर वहीं ये डॉक्टर अस्पताल से नदारद हैं, वो भी ऐसे समय पर जब एक बेहद गंभीर सड़क हादसे में करीब 24 लोग घायल हो जाते हैं। तो आप ही बताइए मुख्यमंत्री जी कि आपकी नज़र में अपराधी कौन? मैं अपने गाड़ी से सरकारी हॉस्पिटल में ले गया तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, वहाँ पे कहा गया था यहाँ पे आज छुट्टी है, कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा, ये कौन सी घटना है? शमशाबाद की, शमशाबाद सरकारी अस्पताल, शमशाबाद सरकारी अस्पताल में वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद? मैं अपनी गाड़ी से 8-10 लोगों को ले गया था, वहाँ पे मैंने अपने हाथों से बिठा दी, वहाँ पर कोई नहीं थे, बस दो गाड़ी वाले ले जाने वाले थे, पुलिस वाले थे साथ में और कोई नहीं थे। आपने जानने की कोशिश की कि यहाँ डॉक्टर कोई नहीं? वहाँ कोई था ही नहीं, तो फिर हम लेके आ गए यहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे कोई था ही नहीं। बताइए बाबा, आप बताइए कि सरकारी अस्पताल में आप जब ले गए थे तो वहाँ के क्या हालात थे? सरकारी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था, तो वहाँ से निकाल दे थे, यहाँ अपने प्राइवेट स्कूल में लाए, प्राइवेट अस्पताल में ले गए। तो वहाँ सरकारी अस्पताल में कोई नहीं था? कोई नहीं था, कोई सुनाई नहीं बन रहा था। तो आपने भैया, आपने जानने की कोशिश की कि यहाँ डॉक्टर लोग कहाँ गए? पता नहीं, हमको मालूम नहीं है। हाँ। पता नहीं, हम देख गए थे, सब बंद पड़ा था हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बंद था। और क्या, ये एक्सीडेंट कितने बजे हुआ था भैया? टाइम तो अंदाज होगा, देख के बता रहा हूँ मैं, तो 1:30 बजे की टाइम थी भैया। किस जगह पे हुआ था एक्सीडेंट? ये बाईपास पे हुआ था। कौन सा बाईपास? शमशाबाद थे और इरादत नगर रोड पर। हाँ, तो ये सब एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद कहाँ ले जाया गया था इनको? ये इनको शमशाबाद ले गए थे भैया, शमशाबाद सरकारी अस्पताल। सरकारी में वहाँ क्या स्थिति थी भैया? वहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं था, तो कहाँ ले जाते थे? कोई डॉक्टर मौजूद? कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। तो वहाँ पर किसने इलाज किया था इनका? किसी ने नहीं किया था इलाज, ही नहीं इलाज ही कहाँ हुआ था, यहाँ ले आए अपने अपने पैसे से कराएंगे, ये तो क्या करें, गरीब लोगों की कहाँ सुनवाई है। आप मतलब क्या कहना चाहते हैं इस व्यवस्था के ऊपर? अब क्या करें भैया, क्या करें, कछु ना कह सकते हम तो जाकर। जैसे आप बताइए कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में सबसे पहले जो पुलिस आपको ले गई थी, कहाँ ले गई थी? सरकारी अस्पताल शमशाबाद, शमशाबाद सरकारी अस्पताल में। हाँ। तो वहाँ के क्या हालात थे, वहाँ आपका इलाज नहीं किया? डॉक्टर नहीं थे यार, रविवार पुलिस वाले आज की छुट्टी है।
ये बात किसने बोली थी? पुलिस वाली गाड़ी में मैं घुसा था, मैं वेटिंग के संग बैठे गया हूँ। छुट्टी वाली बात किसने बोली थी कि छुट्टी है? वही अस्पताल में बता रहे, वहाँ के लोग बता रहे। हाँ, तो वहाँ आपने जो नजारा देखा था वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं? कोई मौजूद नहीं, सुनसान तो अंदर साहब हम गए ना, हम तो गाड़ी में, उस गाड़ी में तो दूसरी गाड़ी में ले आए, गाड़ी में धर के फिर मंदिर लाए।